जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट बाबर अली, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरेटून कराची। इस टाइम हमारी जो लोकेशन है 11B की है, इंटरेस्ट पे है। ये उन लोगों के लिए है जो कहते थे जी बैरेटून कराची में बहुत महंगी चीज़ें बिकती हैं और बहुत महंगे विलाज हैं, मगर आज के दिन जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 11B के विलाज हैं। 125 कहा जाता है मगर 152 गज के विलाज हैं, 3 कमरों पर ये बने हुए हैं, 1 सर्वेंट क्वार्टर है, टोटल 4 है। और इसमें आबादी भी आप देख लेंगे अपने कैमरे की आंख से, मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसकी आबादी दिखाई जाए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इसमें कितने लोग रह रहे हैं और कितनी स्पीड से यह बात हो चुका है। और इसमें व्यूवर्स इसकी लोकेशन देख लें, इसका डिज़ाइन देख लें, इसकी खूबसूरती देख लें, इसका लॉन देख लें, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए फिर हम प्राइस की भी बात करेंगे। और बाकी इसको मैं कंपेयर ज़रूर करूँगा उन प्राइवेट प्रोजेक्ट के साथ, उन प्राइवेट जो आप घर देखते हैं कि जी ये प्राइवेट घर बनाना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहिए, जैसे भी बनाना चाहिए, वो भी बिल्कुल सही है, मगर इसका मैं बताने जा रहा हूँ इसका बेनिफिट क्या है, इसकी सारी चीज़ें और इसका प्राइस क्या है। व्यूअर्स, इस टाइम जो ये घर आप देख रहे हैं खूबसूरत इंग्लिश स्टाइल के घर बने हुए, बिल्कुल बिल्कुल एक ज़बरदस्त तरीके से घर बने हुए हैं, कमाल के घर बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत आपको व्यू देख रहे होंगे। इसमें मैं बताता चलूं, ये इस टाइम मार्केट में ये वो विला है जो 8 मंथ पहले तकरीबन आपको 1,60,00,000 से नीचे विला नहीं मिलता था, मगर इस टाइम मार्केट में जो हालात हैं, ये जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, ये सिर्फ बैरियर टाउन की बात नहीं करूंगा, ओवरऑल की मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सारी चीज़ें, वो जो काफ़ी ज़्यादा प्राइस में एक हम देख रहे थे वो हमें अब बहुत एक रीज़नेबल प्राइस में, वो एक्चुअल अपनी प्राइस पे आ गए हैं। ये विलास आज से 6 से 8 मंथ पहले हम इसकी बात करें तो तकरीबन आपको ये विलास 1,70,00,000-75,00,000 का विला मिलता था, मगर अब जो ये विला मिल रहा है अब आपको तकरीबन चांस डील हमारे पास जो आई हुई है वो तकरीबन आपको 1,45,00,000 का विला मिल जाता है। अमेजिंग और कमाल की डील, 1,45,00,000 का विला मिल जाता है। ये इसका पार्क है बच्चों फैमिलीज़ के लिए, बच्चे इंजॉय करते हैं, झूले लगे हैं, रात को क्रिकेट फुटबॉल और फैमिलीज़ के लिए सब बैठने के लिए बड़ी अच्छी सेटिंग दी गई है। ये इसका हिली एरिया देखिए कितना खूबसूरत है। और इसके बाद मैं अब इसको करने जा रहा हूँ कंपेयर 125 गज के जो आप कहते हैं जी प्लॉट लेते हैं, अली ब्लॉक को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन इसके साथ ही इसके साथ अली ब्लॉक का, अली ब्लॉक के साथ अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं तो अली ब्लॉक में अगर आपको यहां पे अली ब्लॉक में प्लॉट, सिर्फ प्लॉट की बात करें तो 70,00,000 का प्लॉट मिलता है जी अली ब्लॉक में, ऊपर 90,00,000 रुपये इसके आप कंस्ट्रक्शन के लगा लें। अच्छा जी, वो घर बन गया, आपने अपनी मर्ज़ी से बना लिया जी, उसकी कंस्ट्रक्शन भी A+ कर देते हैं, ठीक हो गया जी, मगर ये जो स्टाइल है वो स्टाइल भी आप एज़ पर बैरिया पॉलिसी, बैरिया जो डिज़ाइन देगा आप उस डिज़ाइन पे ही घर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उस डिज़ाइन के अलावा आप घर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। फिर ये जो घर बने हुए हैं ये बैरिया ने बना के दिए, बैरिया इसकी मेंटेनेंस भी रखता है, इन घरों की मेंटेनेंस भी रखता है, इनकी हर चीज़, इनके कलर्स, हर चीज़ को बैरिया देखता है। और दूसरा इसके लॉन, इसकी ईच एंड एवरीथिंग, पानी बिजली हर चीज़ बैरियर इसको मेंटेनेंस करता है। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल में फैमिलीज़ के लिए पार्क्स, हर चीज़ें जो मुहैया किए गई हैं और रीज़नेबल तरीके से बैरियर की सिक्योरिटी, CCTV कैमरेज, हर चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हैं, सबको देखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस टाइम मार्केट में आप अगर आप 152 गज का, 125 गज का विला लेना चाहते हैं तो बैरियर कराची में 11B में लें, 1,45,00,000 का बहुत ही अच्छे रेट में आपको विला मिल जाता है। तो अगर इसकी रेंट की बात करें तो रेंट में आपको विला इसका तकरीबन 35,000 रुपए में आपको पर मंथ आपको इसका रेंट में मिल जाता है। और अगर प्राइस की बात करें तो 1,45,00,000 का इस टाइम मार्केट में विला मिल रहा है। तो टाइम वेस्ट के बगैर आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करें और इंशाल्लाह अगर आप रहश के लिए करें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रेडिंग के लिए तब भी बहुत अच्छी है, टाइम वेस्ट के बगैर इसमें इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा, रहश के लिए भी आप दुआ देंगे
और ट्रेडिंग के लिए भी देंगे। और इसी के साथ अपने होस्ट बाबर को दुआओं में याद रखें और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे अच्छी एक अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।